डिजिटल अपडेट्स में आपका स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए अलग अलग यूट्यूबर टेलीग्राम और फेसबुक के जरिए आपको झांसा देकर आपकी गाढ़ी कमाई गवा देते हैं। आप बिना कुछ सोचे समझे उनके कहने पर आप पैसे स्टॉक में डाल देते हैं और कहीं ऐसा होता है कि आपको वो पैसे नुकसान भी चले जाते हैं या फिर पूरे पैसे डूब जाते हैं। तो उस प्रकार से सेबी नया उन पर क्या कानून ला रही है उनके बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा बताएंगे। अभी तक भारत में 1300 जो इन्फ्लुएंसर्स है वो भी काम कर रहे हैं, जो कि पूरे वैध अवैध भी हो सकते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड सेबी के पास नहीं है। तो किस प्रकार से उनसे बचा जाए, क्या कर रहे हैं वो सारा झांसा तो इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देश में यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस और स्टॉक्स टिप्स दे रहे हैं। इनके सुझाव के झांसे में आकर कई बार निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई गवा देते हैं। देश में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बढ़ते बेस को देखते हुए बाजार नियामक सेबी इन इन्फ्लुएंसर्स पर निगरानी रखने के लिए जल्द ही गाइडलाइन बनाने की तैयारी में है, ताकि खुदरा निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। सेबी के मेंबर एस के मोती ने कहा कि कोरोना के बाद शेयर मार्केट में छोटे निवेशकों की तादाद बढ़ी है, साथ ही इन्वेस्टमेंट एडवाइज देने वालों की संख्या भी बढ़ी है, जो आईपीओ शेयर की खरीदी बिक्री जैसे सुझाव देते के लिए अधिकृत नहीं है। इसके बावजूद वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को निवेश करने को लेकर गलत सुझाव दे रहे हैं। इतने एक साल में स्टार्टअप टेक कंपनियों के आईपीओ और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के दौरान इन इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है। कंपनियां अपने शेयरों के रेट भगाने के लिए इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं और ये निवेशकों को इन कंपनियों में निवेश करने का सुझाव देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई गवा देता है। बी सेफ एंड अलर्ट। थैंक यू सो मच।